सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ यमी और डिलीशियस बैगन का भरता की रेसिपी शेयर करूंगी। बैगन का भरता तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं इसे आज आपको अपने तरीके से बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही डिलीशियस होता है खाने में। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इस डिलीशियस भरता को कैसे बनाते हैं। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम का बैगन लिया हुआ है और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें हम कट का निशान लगाएंगे और देख लेंगे अंदर कीड़े नहीं है या ये ख़राब तो नहीं है। तो इसमें हम दूर दूर कई कट लगा देंगे, 10 से 12। ये मैंने बैगन में दूर दूर तक कट का निशान लगा लिया और इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है, बैगन हमारा ख़राब नहीं है। अब मैंने इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां ली, उन्हें छील लिया है। अब जो कट का निशान लगाया था उसके अंदर हम लहसुन की कलियों को डाल देंगे। सारी कलियों को हम ऐसे ही कट के निशान के अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने सारी कलियों को बैंगन के अंदर डाल दिया है। बैंगन हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है भुनने के लिए। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे। तो एक ब्रश की हेल्प से आप पूरे बैंगन में मस्टर्ड ऑयल लगा दीजिए और उसके बाद हम इसको गैस पर रखकर हाई फ्लेम पर इसे भुनेंगे, उलट पलट कर, जब तक ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। तो अब हम इसे गैस पर रख कर भुनेंगे। तो मैंने गैस पर एक ग्रिड नेट रखी हुई है, ग्रिल नेट के ऊपर हम मैंने इसको बैंगन को रख दिया है हाई फ्लेम पर और इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर हम चारों साइड पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से बैंगन को भूनने पर बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है हमारे भरते में और बहुत ही टेस्टी भरता बनकर तैयार होता है। तो ये 5 से 6 मिनट लगे हैं हमारे बैंगन को भूनते हुए और अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गया है। हर साइड से ये अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसके छिलके को छील लेंगे। गरम ही बैंगन को, बैंगन में छिलके को छीलेगा, ठंडा होने के बाद छिलका चिपक जाता है तो ये नहीं छिल जाता है। तो बैंगन को हम छीलेंगे और जो इसके अंदर मैंने लहसुन की कलियां डाली थी उसको हम साइड में रख देंगे। लहसुन की कलियाँ अच्छी तरह से भुन गई हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है बैंगन को, तो आप इस तरह से लहसुन की कलियों को ज़रूर डालिएगा। अब हमने जो लहसुन की कलियाँ छीली थी उसे अलग कर लिया था, उसे क्रश कर लेंगे और बैंगन को भी मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से मैश कर लीजिए, मैंने चाकू से इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है। बहुत ही ईजिली ये मैश हो जाते हैं और लहसुन की कलियों को मैंने क्रश करके रख लिया है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देती है हमारे भरते में। तो अब इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इस पर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ली थी उसे बारीक ऑमलेट के प्याज की तरह कट कर लिया था वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक कलर आने तक ही हमें इसे भूनना है। उसके बाद 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है उसे बारीक कट कर लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। लहसुन जो मैंने क्रश करके रखी थी बैंगन के साथ, जो मैंने भुना था लहसुन को, उसको ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा और टेस्टी और यमी फ्लेवर देता है ये, तो इस तरह से आप लहसुन को ज़रूर डालिए इसके अंदर। अब इन सारी चीज़ों को हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ली थी उसे मैंने बारीक कट करके रखा था, उसे भी इसमें डालकर हम भून लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से भून गई। बस इसमें थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इन सारे पाउडर्ड मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाले अच्छी तरह से भुन नहीं जाते। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे भूनेंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं। तो ये सारे मसालों को हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसालों से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब जो मैंने बैंगन को क्रश करके रखा था मैश करके, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 4 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। तो हमारे बैंगन को कुक होते हुए 4 मिनट हो गए हैं।
अच्छी तरह से कुक हो गया है, बहुत ही अच्छे अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे भरते से। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था मैंने, उसे तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया था, तो 1 टीस्पून हम इसमें रोस्टेड ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और वापस से इसे ढक देंगे और ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर और कुक कर लेंगे। तो हमारे भरते को कुक होते हुए 2 मिनट और हो गए हैं, हमारा टेस्टी भरता बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। इसे हम एक बार मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो हमारा टेस्टी डिलीशियस यमी बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से बैंगन को भूनकर आप बनाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। इसे आप हरी धनिया से गार्निश कर दीजिए और गरम गरम ही सर्व करिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।